दोस्तों आज के एक और कंपैरिजन वाली वीडियो में फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अभी आप जो है सामने देख रहे हैं ब्रेजा के दो वेरिएंट, जो कि आप सामने ये VXi वेरिएंट है जो कि सेकंड बेस कहलाता है, और ये है इसका सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ZXi प्लस। तो एक कंपैरिजन वीडियो आज की रहने वाली है ब्रेजा के दो वेरिएंट्स के बारे में, VXi और ZXi प्लस। क्या क्या चीज़ें जो है अगर आप सबसे टॉप ऑफ द लाइन जाते ना सेकंड बेस ना लेके तो उसमें क्या मिलेगा, या फिर अगर आप जो है सबसे टॉप ना लेके सेकंड बेस लेते हैं तो उस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, ये क्लियर हो जाएगा। कितने जो है कितने प्राइस का डिफरेंस और कितने फीचर्स का डिफरेंस दोनों के बीच में रहता है, ये सारा कुछ जो है आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाएं, लेकिन जो है कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम प्राइस से स्टार्ट करेंगे। प्राइस की जो है सबसे पहले बात करें तो VXi जो रहता है ब्रेजा का 9,46,000 रुपये की एक्स शोरूम पर कॉस्ट करता है। वहीं अगर आप इसकी बात करते हैं ब्रेजा के सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट की, तो ये जो है 12.5 लाख का जो है सिंगल टोन, मतलब आप जो है ब्लैक रूफ वाला जो है वेरियंट नहीं लेते हैं तो ये जो है 12.5 लाख का एक्स शोरूम में कॉस्ट करेगा। तो दोनों के बीच में यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंस जो है यहाँ पर जो है निकल के जो आता है ना दोनों के, अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो आपको जो है 2,84,000 रुपये का दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसमें कि क्या है 2,84,000 रुपये ये महंगी है ZXi प्लस ब्रेजा VXi ब्रेजा से। तो देखते हैं क्या फीचर्स जो है 2,84,000 रुपये में ज़्यादा देने पे आपको ब्रेजा टॉप में मिलने हैं और कौन से इसमें नहीं मिलते हैं। और मैग्मा दोनों जो है सेम टू सेम मैग्मा ग्रे कलर आपके सामने खड़े हैं, कलर ऑप्शन 2-3-4 और आपको इसमें मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जो भी अगर आपको VXi सही लगता है या फिर आपके बजट के अकॉर्डिंग ZXi प्लस सही लगता है। तो सबसे पहले फ्रंट से अगर आप देखना तो फ्रंट से दूर से आने पे तो लगता ही नहीं है, मतलब कोई पहली बार देखता है दोनों गाड़ियों को सामने से आते हुए तो वो इतनी जल्दी पहचान नहीं पाएगा कि ये सेकंड बेस है या फिर ये सबसे टॉप है। लेकिन जैसी जैसी थोड़ा डिटेल में अगर उसे थोड़ा पता रहता है तो यहाँ पर लाइटिंग सेटअप पूरा देखें आप, डुअल बैरल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दी गई हैं, ऑटोमेटिक रहती हैं, DRLs आपको LED में मिलेंगी, यही इंडिकेटर्स का काम करेंगी, नीचे जो फॉग लैंप्स रहते हैं वो भी आपको एज अ LED में मिल जाते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। यहाँ पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है बम्पर पर, जो कि काफ़ी एकदम थोड़ा मस्कुलर सा स्पोर्टी सा लुक देती है इसे। क्रोम का वर्क ऐसा कुछ आपको एज अ बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है, बीच में सुजुकी का लोगो। वहीं अगर आप इसके लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल यूनिट दी गई है प्रोजेक्टर की हैलोजन में, यही हाई और लो का काम करेगी, एक छोटी सी लैंप पायलट लैंप है यहाँ पे और यहाँ पर इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें फॉग लैंप्स नहीं दी गई हैं और इसमें आपको लगवानी पड़ेंगी अगर आप जो है ये वेरिएंट लेते हैं, और यहाँ पर भी आपको ये चीज़ सिल्वर में नहीं दी गई है, सिल्वर स्किड प्लेट यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ऐसा कुछ रहता है फ्रंट से, एक तरीके से डिफरेंस लाइटों का डिफरेंस है। डुअल बैरल आपको यहाँ पर मिल जाती हैं LED प्रोजेक्टर में विद फॉग लैंप्स DRLs के साथ में, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती है, सिंगल आपको जो है प्रोजेक्टर हेलोजन में दिया गया है और DRLs नहीं मिलेंगी और फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं साइड बाय साइड, चलते हैं साइड में देखते हैं साइड में आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें मिल रही है। साइड बॉडी क्लैडिंग दोनों में मिल जाती हैं आपको यहाँ पर, जैसी अगर आप जो है ऊपर से स्टार्ट करेंगे ना, ए पिलर यहाँ पे ब्लैक आउट, बी सी पिलर ब्लैक आउट है, उसमें भी आपको ब्लैक आउट देखने को मिलेंगे, और ऊपर शार्क फिन एंटीना दोनों में मिल रहा है जो कि आप देख रहे हैं। लेकिन जो रूफ रेल्स हैं, रूफ रेल्स इसमें ही मिलेंगी, उसमें नहीं मिलती हैं, उसमें आपको लगवाना पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं रूफ रेल्स। और बाकी वाइपर दोनों में दो ही मिलेंगे, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। बाकी URBMs बॉडी कलर आपको जो है में मिल जा रहे हैं, नीचे का पोर्शन थोड़ा ब्लैक आउट रहेगा, लेकिन ये आती है 360 डिग्री कैमरे के साथ में, तो इसमें आपको फ्रंट का कैमरा यहाँ पर मिलता है, ये नहीं आता है 360 डिग्री कैमरा के साथ में, इसमें कैमरा ही नहीं दिया गया। आपको इसमें क्या मिलता है वो मैं बताऊंगा। और URBMs पे भी आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी साइड बाय साइड, अगर आप ये देखें यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, वहाँ भी दिया गया है कैमरा। और पीछे की ओर आते हैं जस्ट, तो आप जो है अभी चलेंगे पीछे की ओर, साइड से चलते हैं तो यहाँ पे आपको R16 के 16 इंच के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, प्रोफाइल जो रहेगी 215/60 R16 की टायर प्रोफाइल रहेगी, फ्रंट में डिस्क रहेगी और रियर में ड्रम रहने वाली है, ड्रम ब्रेक्स। और साइड बॉडी क्लैडिंग तो यहाँ पर काफ़ी वाइड दी गई, थोड़ी रगेड लुक इसे मिले तो ऐसा कुछ मिलेगा, इसमें भी आपको साइड बॉडी क्लैडिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप इसमें टायर प्रोफाइल देखते हैं तो आपको स्टील लिम दिए गए हैं 16 इंच के, और जो प्रोफाइल है ना टायर की ये काफ़ी अच्छा है कि टॉप से लेके जो है बेस तक एक ही प्रोफाइल ली है 215/60 R16 की, 100 के जो है MRF के आपको इसमें टायर मिलेंगे। और बाकी साइड से कुछ ऐसा प्रॉपर बॉडी क्लैडिंग है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं, डायमेंशन वही रहने वाली है जो वही सब 4 मीटर की ये SUV है और 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। लेकिन जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको जो है
जो कीलेस एंट्री जो है अगर आप करेंगे ना वो सिर्फ इसी में कर पाएंगे, इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिए गए हैं। चाबी भी इसमें थोड़ा प्रीमियम टाइप की आपको इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों डोर पे, डोर हैंडल्स पे इसी वाली पे मिलते हैं, इस पे आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको चाबी इसमें रिमोट लॉकिंग मिल जाती है, अभी मैं दिखा दूंगा, लेकिन सिंपल सी दी गई है। अब ज़रा पीछे की ओर चलते हैं, तो पीछे से अगर मैं बात करता हूँ पीछे दोनों में क्या क्या मिलता है, तो ये है रियर प्रोफाइल दोनों की, एक तरीके से सेम टू सेम है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो थोड़े अलग हैं। इसमें स्पॉइलर दोनों में है हाई माउंटेड डिस्टॉप लैम्प के साथ में, लेकिन जो है यहाँ पर डिफॉगर इसमें दिया गया है, उसमें वाइपर वॉशर यूनिट है, डिफॉगर इसमें सिर्फ मिलता है। और पीछे टेल लैम्प का डिज़ाइन तो LED में रहेगा, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। ये बेस से लेकर टॉप तक ऐसी ही टेल लैम्प रहती हैं, स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ पे लिखा हुआ। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर पीछे बम्पर पे मिलेंगे रिफ्लेक्टर के साथ में। ये पोर्शन आपको ये भी ब्लैक मिलता है, रियर स्किड प्लेट, बीच में ब्रेजा लिखा हुआ, तो यहाँ पे ऐसा गुजरेगा। जैसे इसमें आते हैं तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, रूफ रेल्स एड ऑन हो जा रही है, वाइपर एड ऑन हो जा रहा है, और वॉशर यूनिट एड ऑन हो जा रही है, जिससे कि वॉश प्रॉपर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और पीछे जो है रियर टेल लैम्प तो सेम टू सेम है, और चार रिवर्स पार्किंग इसमें दिए गए हैं, लेकिन ये चीज़ पोर्शन सिल्वर में आ जाता है, सिल्वर कलर में, और ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाते हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, और एक्स्ट्रा चीज़ है ये कैमरा, कैमरा भी इसमें मिलता है 360 डिग्री कैमरा। इस तरीके से आपको इसमें प्रॉपर चौथा कैमरा यहाँ पे दिया गया है, बाकी दो आपको ORV से एक फ्रंट पे दे दिया जाएगा। इसमें कोई कैमरा आपको नहीं मिलने वाला, जो कि आप ये देख रहे हैं। तो एक्सटीरियर से मेजरली आपको पता लग गया होगा, अगर ब्रेजा VXI में जाते हैं तो क्या मिल रहा है, और ZXI टॉप में जाएंगे तो क्या मिलेगा। लाइटिंग सेटअप पूरा LED में और फॉग लैंप्स के साथ में मिलने वाला है। R16 के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा, रूफ रेल्स मिल जाएगी, पीछे जो है वाइपर वॉशर यूनिट, 360 डिग्री कैमरे के चारों कैमरे इसमें मिलने वाले हैं, इसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। और फ्रंट और जो है रियर स्किड प्लेट इसमें मिल जाती हैं। अब जरा इंटीरियर में बात करते हैं फटाफट से, इंटीरियर में ऐसी क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ से जैसा ही ये जो वेरिएंट है, ये इसका VXI वेरिएंट है, सेकंड जो है बेस रहता है। तो इंटीरियर पूरा एक सिंगल कलर में है, ब्लैक कलर में, सिल्वर फिनिश भी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे साइड पैनलों पे, ये थोड़ा सॉफ्ट टच में मिलेगा, पूरा ब्लैक मिलता है। ऑटो जो है यहाँ पर, चाबी मैं दिखाना चाहूँ तो इसमें ऐसी मिलती है, दो रिमोट लॉकिंग मिल रही है, लेकिन ऐसी सिंपल सी मिलेगी, इससे आप जो है कीलेस एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ड्राइवर साइड विंडो, ऑटो डाउन, ऑटो अप के साथ में आती है एंटी पिंच वाली, चारों पावर विंडो दी गई हैं, बेस वेरिएंट से ही मिल जाती हैं, और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको जो है ORVM से यहाँ पर दे दिए जाते हैं। और साथ ही जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिलेगी इसमें, जो कि इस तरीके से यहाँ पर दी गई है, और फैब्रिक में ही जो है सीटें रहने वाली हैं, और यहाँ पर आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिए जाते हैं। अब जरा यहाँ पे बात करें ESP के कंट्रोल यहाँ पे ऑन ऑफ करने का, और जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप करने जो है यहाँ पर मिलता है, और हेडलाइट की भी यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर लेंगे। अब फटाफट से बात करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे हम। स्टेयरिंग अगर आप देखें इस पर कोई भी रैप नहीं मिलेगा। स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड मिलते हैं इसके 7 इंच की स्क्रीन के, और जो यहाँ पर नीचे मिलेंगे टेलीफोनी के जो है फोन पिक अप और ब्लूटूथ के कनेक्टेड के जो है फीचर जो है आपको जो है बटन मिल जाते हैं। और लेकिन जो है यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं दिया जाता। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें, सिंपल सा एडजस्टमेंट आता है ये, सिर्फ और सिर्फ टिल्ट टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप नहीं मिलेगा। और थोड़ा डैशबोर्ड में फिनिश दी गई है सिल्वर की, बाकी ऐसा कुछ रहता है दूर से जो है डैशबोर्ड देखने में। और यहाँ से आप देखें बीच में MID आपको ऐसी मिलेगी, जिसमें कि आपको जो है टेम्परेचर और जो है फ्यूल का जो है यहाँ पर पूरा बताएगा, कितना फ्यूल बचा है, कितना टेम्परेचर है अभी गाड़ी का, ट्रिप पे ट्रिप भी यहाँ से आप जो है पूरा अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। और एनालॉग इसका RPM और स्पीडो रहने वाला है। बीच में आप देखें 7 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में आती है, जैसे कि आप ये वैगनार के टॉप एंड वेरिएंट, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे नई अल्टो केटन आई है उसके सबसे टॉप एंड VXI प्लस में देख चुके हैं ये, वैसा ही जो है स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, लेकिन इसमें कैमरा नहीं दिया गया। इस तरीके से आपको जो है स्मार्टफोन नेविगेशन भी इसमें मिल जाएगा, लेकिन कैमरा इसमें नहीं मिलता है। और साथ ही साथ इसमें आप कैमरा लगवा सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ नहीं कि आपको इसमें नहीं लगेगा कैमरा। AC वेंट आपको कुछ ऐसे मिलेंगे सिंपल से, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें दे दिया जाता है आपको प्रॉपर इस तरीके से, ऐसा कुछ ऑटोमेटिक AC है। और साथ ही साथ आपको USB ऑक्स और 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। बाकी यहाँ पे सिंपल सा स्पेस, कप होल्डर्स और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। और साथ ही इंटीरियर कुछ ऐसा रहेगा, ये ऑटोमेटिक के लिए आपको VXI में लेना चाहते हैं तो 1,50,000 रुपये मैनुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्स शोरूम पे देने पड़ेंगे। ऊपर आप देखें डे नाइट IRVM यहाँ पे इस तरीके से आपको रहेगा, और ये माइक रह जाता है, अगर आप फ़ोन उठाते हैं तो यहाँ से पूरा स्पीकर का काम करेगा ये। और ये आपको सनवाइज़र पे वैनिटी मिरर, यहाँ पे आपको जो है
टिकट होल्डर के साथ में यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने चीज़ें देख ली होंगी, VXI वेरिएंट में ब्रेजा के इंटीरियर में स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स हैं इसके 7 इंच की स्क्रीन के, और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आती है स्क्रीन ने, ऑटोमेटिक AC मिल जा रहा है आपको, चारों पार विंडो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ORBMs के साथ में मिल रही हैं, और ऐसा कुछ रहता है पूरा डैशबोर्ड का व्यू जो कि आप देखें, और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिल रही है, ये भी काफ़ी सही चीज़ है। अब इसे ऑफ करके ज़रा पीछे चलते हैं, फिर बात करेंगे सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, उसमें क्या क्या दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, बाकी यहाँ बैठने की बात करें, अगर सही अच्छी खासी हाइट होती है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी ऐसी हाइट होती है 5'7" और तो इस यहाँ पे 3 लोग तो आराम से बैठ पाएंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं यहाँ पे, सीटें फैब्रिक में मिलेंगी, सीट कवर लगा के और काफ़ी चौड़ी हो जाएंगी, बाकी स्पेस काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है आपको। यहाँ पे अगर आप देखें रियर AC वेंट भी दिया गया है पूरे प्रॉपर, यहाँ पर जो है फ्रंट वालों को भी जो है AC का पूरा आनंद मिलेगा, तो रियर वालों को भी यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन चार्जिंग सॉकेट कोई यहाँ पर नहीं मिलता, तो यहाँ पर थोड़ा चार्जिंग अगर सॉकेट एक दे दिया जाता तो काफ़ी सही लगता। बाकी एडजस्टेबल आपको ग्रैब हैंडल, एक लैंप यहाँ पर दे दी जाती है। तो ये सारे फीचर्स जो कि आपने देखे ब्रेजा के सेकेंड बेस VXI वेरिएंट में यहाँ पे दिए गए हैं। अब जरा जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में चलते हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको जो है कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप जाएंगे इंटीरियर में, जैसे ही इंटीरियर में एंटर करते हैं आपको, तो थोड़ा जैसा कि मैंने उसमें दिखाया था ना आपको, ये चीज़ जो है पूरा ब्लैक में मिल रही थी, यहाँ पे ब्राउन में दी गई है, लेकिन ये भी जो है एज आ फैब्रिक में ही रहने वाली है, थोड़ा सिल्वर फिनिश यहाँ पे आ जाती है, ये यहाँ पे क्रोम का जो है फिनिश दे दी गई है, और साथ ही साथ आपको जो है एक बार इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी यहाँ पर मिल जाता है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ORBMs, और ये एंटी पिंच के साथ में भी आएगा, और स्पीकर के साथ में आपको यहाँ पे ट्विटर की भी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे भी आपको जो है हेडलाइट की बीम तो एडजस्ट कर ही लेंगे आप यहाँ पे, जैसा ये आपको इसमें जो है एलेक्सा वॉइस कमांड भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बाकी और कौन से कंट्रोल्स है, जैसा कि आपको ये जो है ESP का कंट्रोल मिल रहा था, ये व्यू 360 डिग्री कैमरा का व्यू मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप, HUD हेडसअप डिस्प्ले जो मिलती है यहाँ पे दी गई है, तो इस तरीके से यहाँ पे सारी कुछ मिल जाएंगी, और आपको यहाँ पर ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आएगी, लेकिन सीट में आपको ये इसमें सीटें भी इसमें भी आपको फैब्रिक में ही मिलती हैं सीटें। अब फटाफट से बात करेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जैसा कि मैंने बताया इसमें भी मिल रहा है आपको, और डैशबोर्ड में ये देखें ना थोड़ा ब्राउन टेक्सचर आ जाता है यहाँ पर, और थोड़ा सिल्वर साटन फिनिश भी आ जाती है, और स्टेयरिंग अगर आप देखें तो स्टेयरिंग पर रैप है, लेदर रैप है, काफ़ी प्रीमियम सा क्रूज कंट्रोल भी एड ऑन हो चुका है यहाँ पर, और साथ ही साथ ये कंट्रोल तो आपने उसमें देखे ही थे। और एडजस्टमेंट की बात करें ये आ जाता है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ में ये स्टेयरिंग, और ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर हेडलैम्प्स रहती हैं, फॉलो मी का जो है यहाँ पे फंक्शन मिलेगा उनमें, और जो अगर आप देखें यहाँ पे आपको जो है बीच में कलरफुल जो है डिस्प्ले मिल रही है पूरा आपको यहाँ पर, इंजन मोटर बैटरी, क्योंकि हाइब्रिड से माइल हाइब्रिड इंजन है तो ये सारा कुछ इसमें दिखाता है, तो ये कलरफुल MID आपको इसमें देखने को मिलेगी। बाकी आपको जो है यहाँ पर स्पीडो और जो है RPM ये एनालॉग मिलेगा, और जो है यहाँ पे टेम्परेचर का यहाँ पे आ जाता है एनालॉग टाइप में यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको फ्यूल का आपको मिलेगा। तो मीटर कंसोल थोड़ा ऐसा इसमें प्रीमियम सा लगता है। अब जरा जो है सेंटर की बात करें तो सेंटर में आपको 9 इंच की स्क्रीन आ जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, एलेक्सा आपको जो है यहाँ पर आपको इसमें मिलेगा इनबिल्ट, और आर्कमेज का जो है साउंड सराउंड सिस्टम यहाँ पर प्रॉपर मिलता है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड के साथ में, और बाकी 360 डिग्री व्यू जो है इसमें जैसे प्रेस करते हैं आप तो ये सारा कुछ आपको बताएगा, चारों ओर अभी जो है गाड़ियां खड़ी हैं तो साइड बाय साइड सारा व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ दिया गया है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा कुछ मिलने वाला है, ऑटो डिमिंग IRVM ऊपर मिलेगा आपको, मैनुअल वाला नहीं दिया गया आपको, सेम टू सेम ऑटो डिमिंग IRVM ऐसा मिल रहा है जो कि आप ये देखें। नीचे की तरफ आपको ये ऑटोमेटिक AC जैसा कि VXI में मिल रहा था टॉप में तो मिलेगा ही मिलेगा, और 12 वोल्ट का आपको एक चार्जिंग सॉकेट USB का यहाँ पे दिया गया है, और आपका जो है फोन अगर जो है वायरलेसली जो है यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट करता है तो यहाँ से आप वायरलेसली उसे भी चार्ज कर सकते हैं। बीच में वही मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है 5 स्पीड का, और ऑटोमेटिक लेंगे तो वही 12.5 लाख में आपको मैनुअल के कंपेरिजन में 1,50,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो वही मान के चलिए 14 लाख का ऑटोमेटिक इसका ZXI प्लस टॉप एंड वेरिएंट पड़ेगा आपको एक शोरूम में। और बीच में यहाँ पे दी गई है स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, ये भी मिल जाती है आपको काफ़ी अच्छा, इसमें जो है स्टोरेज भी दिया गया है, और यहाँ पे कप होल्डर्स, बाकी यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी दी गई है। वैसे अगर आपको डे टाइम में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से कुछ एम्बिएंट लाइट आपको आपके जो है साइड्स में दी गई हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम बनाती हैं इंटीरियर को। साथ ही साथ हेडसअप डिस्प्ले जो कि अगर आप देखें ना जैसे स्टार्ट करते हैं इसे तो ये इसकी जो है HUD रहती है,
इसके कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, इसे अगर आप जो है डाउन करना चाहें HUD को ये भी डाउन कर सकते हैं। और इसका रिफ्रैक्शन सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है जो कि आप ये देख रहे हैं, लो फ्यूल बता रहा है आपको इसमें, ये सारी कुछ जो है रिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिल जाती है। तो यही कुछ मतलब थोड़ी जो है अगर आप टॉप में जाते हैं ना तो टॉप वाले जो है पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, टॉप फीचर्स इन जो है आपको 9 इंच की स्क्रीन के आर्क मेज का जो है यहाँ पे आपको साउंड सराउंड सिस्टम मिल रहा है और साथ ही साथ हेडसअप डिस्प्ले 360 डिग्री कैमरा वायरलेस चार्जर एम्बियंट लाइट। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए अब रहती है ना जिन्हें ऐसे फीचर्स वाकई में चाहिए कि उनकी गाड़ी में ये फीचर्स होने चाहिए। लेकिन लेने को तो ये भी काफ़ी अच्छा वेरिएंट है जो कि एक तरीके से यहाँ पर सेकंड बेस वेरिएंट रहता है। तो उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा मतलब चाहते हैं कि एक रीजनेबल प्राइस में मतलब जो प्राइस हो उस पे सारी चीज़ें मिले, तो इस वाले वेरिएंट में भी सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन फीचर लोडेड अगर आप लेंगे तो आपको यहाँ पे फीचर लोडेड जो है यहाँ पे जो है चीज़ें भी दी गई हैं, गॉगल्स होल्डर ऊपर मिलेगा आपको इस तरीके से, ये वॉइस कमांड भी आपको यहाँ पर मिलता ही मिलता है और साथ ही साथ आपको सनरूफ भी इसमें मिल जाती है इस तरीके से, छोटी सी आपको जो है यहाँ पे सनरूफ दी गई है, इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो ये ब्रेजा पहली गाड़ी है जो कि मारुति की जिसमें कि आपको सनरूफ कुछ ऐसी यहाँ पर दे दी जाती है। बाकी लाइटें यहाँ पे दी गई हैं सनवाइजर पे, आपको जो है लैंप भी मिलेगा यहाँ पे पीछे आपको जो है इस तरीके से, ये आपको सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर सारी चीज़ें दी गई हैं, ऑटो डिमिंग IRVM। तो मतलब ये फीचर जब एड ऑन होते हैं तो प्राइस भी ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बढ़ेगी। जो 284,000 रुपये ना उस हिसाब से तो जो चीज़ें दी गई हैं ठीक ठाक दी गई हैं, काफ़ी सोच समझ के दी गई होंगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी है इसमें। अब जरा पीछे की ओर चलते हैं, पीछे की बात करते हैं, पीछे आपको ऐसी एक्स्ट्रा क्या चीज़ें मिल रही हैं उसकी बात करेंगे। तो पीछे चलें जरा, तो पीछे अभी ये लॉक लगा हुआ है तो यहाँ से जस्ट अनलॉक करते हैं तो पीछे जो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये जैसे कि मैंने बताया थोड़ा ब्राउन टेक्सचर में जो कि दिया गया है, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे पावर विंडो के साइड बाय साइड, और यहाँ पे एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट मिल रहे हैं और आर्मरेस्ट भी मिलता है यहाँ पे। अभी ये अंदर है पॉली के और इसमें आपको कप होल्डर्स भी मिलेगा और रियर एसी वेंट तो उसमें था लेकिन चार्जिंग सॉकेट नहीं था। इसमें आपको जो है दो टाइप ए और टाइप सी आपको जो है चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें रियर में दी गई हैं तो ये चीज़ एड ऑन हो जाती हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से मेजरली चीज़ें पता लगी होंगी कि जो आपको 280,000 से 284,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं इसके लिए, तो वो किन चीज़ों के लिए देने पड़ रहे हैं। अंदर जो आपने देखा 360 डिग्री कैमरा, हेडसअप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, एम्बियंट लाइट और साथ ही साथ ये LED लाइटिंग सेटअप आपको जो है, आपको फॉग लैम्प जो है LED में मिल रहे हैं, आपको 16 इंच के जो है आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, रूफ रेल्स मिल रही हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको जो है टॉप एंड वेरिएंट में अगर वाकई में जाना है तो आप इसकी ओर जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जो फीचर्स चाहता है, लिमिटेड फीचर्स चाहता है, जैसे कि स्क्रीन होगी, डिफॉगर हो गया और साथ ही साथ जो है फॉग लैम्प्स तो लगवा ही सकता है वो, तो ये चीज़ें उन चीज़ों के लिए भी जो है ये 9,46,000 वाला भी VXI वेरिएंट काफ़ी अच्छा वेरिएंट है। तो अब आपको पता लग गया होगा क्या क्या मेजर डिफरेंस था। इंजन का कोई भी डिफरेंस नहीं है, इंजन वही रहने वाला है 1.5 लीटर का डुअल जेट इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है पावर 103 जो है BHP की 137 Nm टॉर्क के साथ में। माइल्ड हाइब्रिड इंजन है, माइलेज वही 19 से 20 का क्लेम कर रहे हैं वैसे, बाकी ड्राइव अगर अच्छी चलाते हाईवे पे तो आपको जो है वही 16 से 17 का इसमें मिल सकता है माइलेज। तो इंजन सेम टू सेम है, बस फीचर्स जो चेंज हो जाते हैं, तो वेरिएंट टू वेरिएंट अलग अलग जो है आपको फीचर्स मिलेंगे। टॉप वेरिएंट में टॉप नॉच फीचर्स हैं इसमें और VXI में ऐसा नहीं है कि खत्म ही कर दिया गया है, VXI को भी थोड़ा जो है जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से जो है इसे जो है फीचर्स दिए गए हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा पता लगा हो कि ZXI प्लस में क्या है ब्रेजा में और VXI प्लस जो है वेरिएंट में क्या है ब्रेजा में, तो ये आपको क्लियर हो चुका हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें वीडियो को और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और ऐसी नई वीडियो के साथ में।